हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत प्रौजिया आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास सिक्स की मैथ का टॉपिक ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 to 12 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे, ठीक है, और ज़रा सा भी इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा इन द गिवन फिगर सम ट्रायंगल्स हैव बीन गिवन। लिखा आपको कुछ ट्रायंगल्स गिवन किए गए, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। लिखा स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलेंट, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। आपको इसमें यह बताना है कौन से ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल हैं, कौन से आइसोसेल्स हैं, कौन से स्केलेन हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इन तीनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका स्केलेन ट्रायंगल्स क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या डिफरेंट हो। जब ऑल साइड्स डिफरेंट होंगी तो उनके ऑल एंगल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट। इतनी बात समझ में आई, ये होते हैं आपके स्केलेन ट्रायंगल्स। अच्छा, अब बात करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होता है, जिसमें आपकी क्या हो, टू साइड्स इक्वल हो या फिर क्या हो, टू एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, और आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स भी इक्वल हो और ऑल एंगल्स भी इक्वल हो, वो आपके क्या होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आपको जो ट्रायंगल्स गिवन है उनमें से 4 में आपको क्या साइड्स गिवन है और 3 में एंगल्स गिवन है। ठीक है, तो आपको एंगल और साइड्स दोनों के बेस पर पता होना चाहिए कि कौन सा आपका आइसोसेल्स होगा, कौन सा स्केलेन होगा, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंगल में आपका क्या नेम गिवन है, ABC। ठीक है, और इसमें टू साइड्स आपकी कौन सी इक्वल, कौन सी, AC एंड BC, और उनका मेजरमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कैसा होगा, आइसोसेल्स। कौन सा होगा, आइसोसेल्स। सेकेंड में भी आपका क्या है, टू लाइन्स इक्वल है, कौन कौन सी, DE एंड EF, कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में आपकी ऑल साइड्स कैसी है, डिफरेंट। ठीक है, RP कितना है, 2.7 सेंटीमीटर, PQ कितना है, 2.6 सेंटीमीटर, और QR कितना है, 2.5। तो ये आपका ट्रायंगल कैसा होगा, स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें ऑल साइड्स क्या हो, डिफरेंट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, 4 में क्या है, नेम क्या है, XYZ। ठीक है, और इसमें ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, XY YZ ZX, सभी का मेजरमेंट कितना गिवन है, 3। ठीक है, तो ऑल साइड्स आपकी इक्वल, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में LMN आपका एक ट्रायंगल है, जिसमें ऑल एंगल्स क्या है, सेम। और मैंने बताया था कि जब ऑल एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है, तो भी वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर में टू एंगल्स क्या है आपके, सेम है। ठीक है, इक्वल है। ठीक, कौन कौन से, एंगल H एंड एंगल K। ठीक, तो जब टू एंगल्स इक्वल है तो ये आपका कैसा होगा, आइसोसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट STU में आपके ऑल एंगल्स कैसे, डिफरेंट है, कितने के हैं, एंगल T कितना है, 50 डिग्री, एंगल S कितना है, 60, एंगल U कितना है, 70 डिग्री। ठीक, जब ऑल एंगल्स डिफरेंट है तो ऑल साइड भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ऑल साइड डिफरेंट होगी तो वो क्या होगा आपका, स्केलेन ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आई, ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती है कोई, क्योंकि आप लोग कभी ना तो व्हाट्सएप पे कमेंट करके कोई कन्फ्यूजन पूछते हैं, ठीक है, और ना ही कभी कोई कमेंट करते हैं कि सर मुझे ये कन्फ्यूजन है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन और मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। समझ में आया कि नहीं, इससे पता चलता है कि आप लोग बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वीडियो को देखते भी नहीं है, तभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्फ्यूजन तभी होगी जब आप क्या करेंगे, मोर स्टडी करेंगे, जितना स्टडी करेंगे उतना ही कन्फ्यूजन होगी। बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए स्टडी करते रहें, अपना ध्यान रखें घर पर, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और अपने देश का भी, ठीक है, और घर पर
सो अच्छे से रहकर स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें। अच्छा, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी लिखा है आपको, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, कौन सा, एबीसी। ठीक है, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए, क्या ट्रायंगल एबीसी, चलिए ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। तो लिखा है कि टेक अ पॉइंट डी ऑन बी सी, लिखा है आपको डी पर कोई भी एक पॉइंट लेना है, कौन सा डी। लिखा है कि ज्वाइन ए डी, अब ए और डी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला गया है, हाउ मेनी ट्रायंगल डू यू गेट, नेम देम। अब लिखा है यहाँ पर आपको कितने ट्रायंगल्स मिल गए, कितने ट्रायंगल होंगे। देखो, एक तो पहले था, एक ट्रायंगल था क्या ए बी सी, दो और हो गए, कौन से, ए बी डी और ए डी सी, एक ये हो गया। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 3। अच्छा, इनके नेम क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। निवास समझ में आई, ठीक है, 3 ट्रायंगल्स हो गए और उनके नेम भी मैंने लिख दिए। एक तो आपका लार्ज वाला ट्रायंगल होगा ए बी सी, और दो कौन से होंगे, स्मॉलेस्ट, कौन सा, ए बी डी और ए डी सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखा कि कैन अ ट्रायंगल हैव, देखा कि क्या किसी ट्रायंगल में ये पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कि मैंने देखा, टू राइट एंगल हो सकते हैं क्या, नो नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऑल एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, बट यहाँ पर अगर 290 के होंगे तो फिर वो उनका सम कितना हो जाएगा, 180, और 180 हो जाएगा तो थर्ड एंगल क्या, जीरो होगा क्या, नहीं। ठीक है, थर्ड एंगल का भी तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा। ठीक है, अगर जीरो होगा तो फिर आपका ऐसा कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसमें थर्ड एंगल क्या हो, जीरो। हाँ, समझ में आई। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है कि टू ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, जब 290 डिग्री एंगल नहीं हो सकते हैं तो टू ऑब्ट्यूस एंगल कैसे हो जाएंगे। ऑब्ट्यूस पता है ना, जो क्या होते हैं, मोर देन 90 होते हैं। अच्छा, 90 नहीं हो सकते हैं तो मोर देन 90 हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू एक्यूट एंगल, लिखा है कि दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं क्या, एक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूट क्या होते हैं, जो 90 से कम होते हैं। ठीक, 30 क्या होगा, यस, क्यों, अच्छा 90 से कम है, सपोज कि आपने कि दो एंगल जो है वो 90 से कम है, सपोज किया कितना, 80 है। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 160। ठीक, इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक, मीन्स आपका जो 20 है वो क्या होगा, थर्ड एंगल। ठीक है, मैंने बताया था ना कि थर्ड एंगल का कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगा, ये तो मैंने सपोज करके एक एग्जांपल आपको बता दिया। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि आपका ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें क्या हो, दो एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईच एंगल मोर देन 60। सिक्स में क्या लिखा है, फोर्थ में क्या लिखा है, ईच एंगल मोर देन 60, लिखा है कि जितने भी एंगल होंगे, ठीक है, वो मोर देन 60 होंगे। ऐसा हो सकता है, नहीं, अगर मोर देन 60 होंगे, सपोज ये 61 भी अगर कर दिया, ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, 183, और 183 किसी एंगल का सम नहीं होता है। ठीक, कितना होता है, 180। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, नो। नेक्स्ट लिखा है, ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, लिखा है कि आपके जितने भी एंगल हो वो सब क्या हो, 60 डिग्री से कम हो। अच्छा, सपोज किया 59 सपोज कर लिया, सबको ज़्यादा हमने कम नहीं किया, सिर्फ कितना किया, 1 डिग्री कम कर दिया। ठीक है, अगर इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 177 सम। ठीक है, और 177 सम भी नहीं हो सकता है, कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, नो। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जितने भी एंगल हैं ट्रायंगल में, ठीक, वो सब क्या हो, 60 से कम हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, सिक्स नंबर में लिखा है ईच एंगल इक्वल टू 60, लिखा है कि ईच एंगल 60 हो सकता है, यस।
अगर सभी एंगल 60 के होंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 180 सम होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या था क्वेश्चन नंबर 11 कि आपके कौन से ट्रायंगल पॉसिबल है और कौन से नहीं है, ठीक है, इतनी बात की है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, देखा ट्रायंगल है डैश, कितनी साइड्स होगी 3 साइड्स, ठीक है, डैश एंगल कितने एंगल होंगे 3 एंगल भी होंगे, ठीक है, एंड वर्टिक्स भी कितने होंगे 3, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, देखा कि किसी ट्रायंगल के जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये सेकंड का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। नेक्स्ट द साइड्स ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ, ठीक है, अच्छा स्केलन ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब क्या होती है डिफरेंट लेंथ की होती हैं, डिफरेंट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, ठीक है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसका ऑल एंगल कितने का होता है 60 डिग्री, क्योंकि क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं इक्वल। नेक्स्ट क्या है फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर, देखा है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल, क्या होगा इक्वल। नेक्स्ट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स, देखा द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स क्या होता है वो पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके थैंक यू क्लास।